सदर प्रखंड के दुबौली गांव में करंट लगने से एक मवेशी की मौत हो गई। घटना सुबह तकरीबन 6:30 बजे हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण इस तरह की घटना हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि 11 किलोवाट का तार खेतों में गिरा हुआ था, जिसे दुरुस्त करने के लिए कई बार बिजली कंपनी के मिस्त्रियों को कहा गया, लेकिन उनके द्वारा इसका कोई उपाय नहीं किया गया, जिसके कारण आज यह दुखद दुर्घटना हो गई। स्थानीय निवासी सुरेंद्र यादव ने बताया कि उनकी भैंस सुबह खेतों में घास चरने के लिए निकली थी, इसी बीच यह हादसा हो गया। BDC प्रतिनिधि अरुण कुमार यादव ने बिजली कंपनी से मुआवजे की मांग करते हुए कहा है कि निश्चित रूप से यह बिजली विभाग की घोर लापरवाही का नतीजा है, ऐसे में जल्द से जल्द मवेशी पालक को मुआवजा मिलना चाहिए। क्या कुछ कहा अरुण यादव ने, आइए सुनते हैं। ग्रामीणों को कहने के अनुसार हमने इसकी शिकायत बिजली विभाग के मिस्त्री से किया था, लेकिन मिस्त्री के नहीं बनाने के कारण आज एक भैंस की दर्दनाक मौत हुई करंट लगने से। इसका सरासर जिम्मेवार बिजली विभाग है। बिजली कर्मियों की निरंकुश व्यवस्था के कारण आज एक भैंस की मृत्यु हो गई, जिसका जिम्मेदार बिजली विभाग है। इसका मुआवजा की हम मांग करते हैं और बिजली विभाग इसका जिम्मेवार है।